अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान अकरम और आप देख रहे हैं रिव्यूज़ मार्क। आज की वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो सोलर इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं, फ्यूचर में सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं। जो दोस्त सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं वो सोलर इन्वर्टर खरीदने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि इन्वरक्स ने अपनी एक नई सीरीज़ लॉन्च कर दी है वेरियन 2 के नाम से। तो इसके अंदर बहुत ही कमाल के फीचर्स उन्होंने दिए हुए हैं। इसके मुकाबले का अभी तक मार्केट में कोई भी किसी भी कंपनी का इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि इन्होंने 1.2 मॉडल के अंदर भी ऑप्शन दे दी है कि 12 वोल्ट वाले इन्वर्टर को भी आप बगैर बैटरी के रन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इन्वरक्स ने वेरिएंट 2 सीरीज़ में कौन कौन सी कैपेसिटी के सोलर इन्वर्टर लॉन्च किए हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इन्वरक्स जो है वो हर साल अपना एक नया मॉडल लॉन्च करता है, जैसे उन्होंने पहले बीएम लॉन्च किया था, फिर 2020 में रॉक्स सीरीज़ लॉन्च की थी, फिर 2021 में वेरॉन लॉन्च की थी, तो अभी उन्होंने 2022 में वेरॉन 2 लॉन्च की है। तो ये बहुत ही कमाल के फीचर्स वाले इन्वर्टर हैं, जो कि 1.2, 2.5 और 3.2 वाट के अंदर अवेलेबल है। तो इसके अंदर बहुत ही कमाल के फीचर्स उन्होंने दिए हुए हैं। इसके मुकाबले का अभी तक मार्केट में कोई भी किसी भी कंपनी का इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि इन्होंने 1.2 मॉडल के अंदर भी ऑप्शन दे दी है कि 12 वोल्ट वाले इन्वर्टर को भी आप बगैर बैटरी के रन कर सकते हैं, और 2.5 वोल्ट में भी इन्होंने ये फीचर्स दे दिए है। 1.2 और 2.5 वोल्ट में किसी कंपनी का इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो बगैर बैटरी के रन हो। और इसी तरह और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स हैं इसके अंदर। जो 1.2 इन्वर्टर की बात करते हैं, तो 1.2 इन्वर्टर के अंदर इन्होंने एक तो ये बगैर बैटरी के भी चल सकता है, और दूसरी इसके अंदर जो ऑप्शन दी है इन्होंने कि इसके जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो 450 कर दी है। आप किसी भी वाट का वाटेज का जो मार्केट में सबसे लेटेस्ट सोलर पैनल है उसके से लगा सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने इसकी सोलर कैपेसिटी भी बढ़ा दी है कि आप 1.2 किलो वाट इन्वर्टर के साथ आप 2000 वाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, यानी कि 2000 वाट के पैनल लगा सकते हैं। और इसी तरह जो है अभी नेक्स्ट जो है इसका 2.5 किलो वाट का है, तो 2.5 किलो वाट के अंदर भी इन्होंने किया है कि 1.2 को डबल कर दिए 2.5 किलो वाट, और इसके अंदर जो इसकी सोलर कैपेसिटी है वो 3000 वाट कर दी है, और इसके साथ भी आप 450 वाट इसके साथ भी आप 450 वोल्ट के सोलर सेटअप लगा सकते हैं। और इसी तरह इसके जो नेक्स्ट मॉडल है वो इन्होंने दिया है 3.2, और 3.2 के अंदर इन्होंने दो मॉडल लॉन्च कर दिए, एक 24 वोल्ट बैटरी बैकअप के साथ और एक 48 वोल्ट बैटरी बैकअप के साथ। जिसके पास दो बैटरी हैं वो भी 24 वोल्ट वाला ले सकता है, और जिसके पास चार बैटरी लगाना चाहता है तो वो 48 वोल्ट सेटअप वाला ले सकता है। बाकी इसके अंदर 3.2 किलो वाट का ये 5000 वाट के सोलर सिस्टम इसके लगा सकते हैं, और ये भी हाई वोल्टेज सपोर्टेड है, यानी कि 450 वोल्ट तक इसके साथ आप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इनके अभी तक प्राइस जो है वो लॉन्च नहीं की गई, जैसी प्राइस लॉन्च होगी तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और इसकी जो है अनबॉक्सिंग भी करेंगे। और एस्टिमेटेड जो इसकी प्राइस है वो 1.2 किलो वाट की जो है वो 30 से 40,000 होगी, और जो 2.5 किलो वाट है वो 50 से 60,000 के दरमियान होगी, और 3.2 किलो वाट जो है वो 90,000 से 1 लाख होगी। उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।